हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, आज का ब्लॉग कर दिया है मैंने शुरू, और आज का ब्लॉग किया है मैंने पोछा मारने से शुरू। तो मैं सुबह से अपना काम में लगी हुई थी, तो फिर मैं पोछा मार रही थी, मैंने कहा लाओ अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो देखिए, मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही थी, तो तभी देखिए मैं पोछा भी मार रही थी, झाड़ू मेरी लग गई थी, तो अब मैं पोछा मार रही थी। और किट्टू और डुगू इस टाइम पे सो रहे थे, पर जब मैं पोछा मार रही थी तभी उठ गए थे वे, जब मैं बाहर पोछा मार रही थी। तो देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो पोछा मारना भी हमारे लिए अच्छा रहता है, जैसे हम हाथ से पोछा लगाते हैं। और जैसे आजकल तो एक से एक मशीन आ रही है पोछा मारने की, हर काम की भी वो हो रही है, पर जो हाथ से काम होता है खुद से करते हैं उसका तो अलग ही हुआ है। तो देखिए, पोछा मारने के बाद मैं यहाँ पर, ये वाशबेसन के यहाँ है, और यहाँ वैसा पानी गिरता है ना तो यहाँ पर काई जम जाती है, तो मैं यहाँ पर ब्रश मार रही थी तो ये काई उतार रही थी मैं। जब मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर रखा था तो बच्चे लग गए थे कैमरा ख़राब करने के लिए, उसके आगे हाथ लगा रहे थे, मैंने कहा बेटा मान जाओ। तो मैं यहाँ पे काई उतार रही थी, तो ये गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू लेने के लिए। बदन जैसे यहाँ पानी गिरता है ना तो काई यहाँ जम ही जाती है, और कितनी जम जाती है, कितनी उतार लो फिर भी पूरी उतरती नहीं है, ऊपर उतारनी पड़ती है, नहीं तो ये पैर पूरा फिसल जाते हैं ना, तो गिरने का डर रहता है, तो इस वजह से उतारनी पड़ती है इसे। तो देखिए, अब मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। तो देखिए, सारा काम हो गया है मेरा अब ख़त्म। तो अब मैं कर रही थी एक्सरसाइज, देखिए मेरे बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने बुला रही थी, मैंने कहा आ जाओ तुम भी एक्सरसाइज कर लो। तो किट्टू को देखिए, ये गले में तौलिए भी टांग रखा है, ऊपर से पर्स भी टांग रखा है, फ्रॉक पहन रखा है, ये पूरे उसमें वो है बस, इसे क्या फ्रॉक का इतना शौक है ना, इसे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉक का शौक है ऐसे। तो देखिए, ये लग गया मेरे साथ एक्सरसाइज करने, जब मैं एक्सरसाइज करने लगी तो ये भी लग गई, जब मैंने कहा ना इसे तब लगी, नहीं तो कर नहीं रही थी। और डुगू तो कह रहा था मैं नहीं करता एक्सरसाइज, आप ही कर लो। तो देखिए, अब हम दोनों माँ बेटी एक्सरसाइज करने लग गए। अकीटू ने भी ज़्यादा देर नहीं की, थोड़ी सी की, फिर कह रही मैं नहीं करती। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे ज़रूरत भी नहीं है एक्सरसाइज करने की। तो चलिए जी, हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में घुस जाती है, और उनसे बचने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये 32 का फार्मूला है, तो ये ना प्रेग्नेंट औरतें भी कर सकती है, जो माँ बनने वाली रहती है उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मतलब बहुत भारी एक्सरसाइज उन्हें नहीं करनी चाहिए, पर जैसे बैठने वाली है, कपाल भांति वगैरह, ऐसी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए ताकि उनका मन शांत रहे। तो इसलिए उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उनको अपने मन शांत रखने के लिए। बीपी, इसमें प्रेग्नेंट रहते हैं तो इसमें बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी बीपी भी नॉर्मल रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप भारी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल भी नहीं। भारी एक्सरसाइज हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आसान एक्सरसाइज करनी चाहिए जो बिल्कुल आसान होती है। तो देखिए, हम तो लगे हुए थे अपनी एक्सरसाइज करने में, तो चलिए जी फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते। यहीं पे मेरे बच्चों की चल रही थी मस्ती, तो मैंने आज आपको ऐसे बता दिया कि जो माँ बनने वाली होती है उन्हें भी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो बता देते हैं आपको, हमें जितनी जानकारी है मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं आपको बता दूँ। अपनी जानकारी के हिसाब से ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जितनी है उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको बताऊँ। तो देखिए, आज मुझे पता नहीं क्यों थकान सी हो रही थी एक्सरसाइज करने में, बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा था मेरे, आज कुछ ऐसी तबीयत ढीली सी थी। तो देखिए, खैर कर ही ली थी हमने अपनी एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर तो बिल्कुल सही हो जाती है तबीयत, एकदम शरीर खुल जाता है ना, पर जब तक करते नहीं है तब तक ऐसे ही रहता है, आलकस सा रहता है। तो चलिए जी, अब हो गई है हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट। तो देखिए, अब मैंने ना चने भिगोए थे रात, तो अब मैं चने खा रही हूँ, अब मैं अपने चने खा लेती हूँ आराम से चाप चाप के। और मूँग वो और कुछ मेरे पास नहीं था, सिर्फ चने थे, तो मैं चने ही खा रही हूँ। एक्सरसाइज करने पहले भी खा सकते हैं आप इन्हें, और बाद में भी खा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे ही खा लो, पहले तो पहले खा लो, बाद में तो बाद में खा लो। मेरा सारा हो गया है, मैं नहा भी ली हूँ, तो अभी हमने नाश्ता नहीं करा था क्योंकि मैंने चने खा लिए थे तो मुझे भूख नहीं लगी थी, तो अब मैं खाऊंगी, चाय बनाऊंगी, बच्चों को भी दूंगी चाय। चाय नहीं मतलब दूध में पत्ती लगा के दूंगी, उन्हें वही पसंद है तो वही मांगते हैं, और इन्हें दूध में पत्ती लगा के दूंगी। और आज हमारे देखो, उसने वहां से बटन बना, जैसे रोटी बनाई थी ना तो किसी ने ऐसे ही खाई, सबने थोड़ी बहुत रोटी रखी है, तो अब हम वही खाएंगे नाश्ते में।
और देखिए इसने यहाँ से बटन बंद कर दिया। अब टीवी दोबारा से चलाना पड़ेगा। क्यों करा यहाँ से बटन बंद? मैं तो नहीं चलाऊ टीवी। अरे ये देखिए ये अलमारी, अलमारी में क्या है किट्टू? खुली थी। मैं खुली छोड़ी थी सर। इतनी बदतमीज बच्चे हो रहे मेरे तो। इसे देख लो, इसे ये परस क्या मिल गया। ये इसे परस को नहीं छोड़ रही, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही इसे परस को यार। ऐसे बच्चे हो रहे मेरे तो चलिए जी आप वीडियो में बने रहिए। तो जी देखिए अब है दोपहर के खाने का टाइम। तो आज मैंने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, बस प्याज टमाटर और मिर्च यही भूनी थी, इनसे ही हमने रोटी खा ली थी। क्योंकि किट्टू के बाबा जी नहीं आए थे तो इसलिए मैंने आज मैंने कहा चलो शॉर्टकट थोड़ा सा यही बना लेते हैं चटनी टाइप में, तो मैंने बना लिया था और रोटी भी मैंने बना ली थी। और फिर हमें जाना है भूमिया, भूमिया पूजने, किसी ने बधाओ बोलते हैं वो गिरवाया था किसी ने, क्या किट्टू की बुआ जी हैं उन्होंने गिरवाया था, तो वहाँ जाना था मुझे फिर खाना खा के। तो जी चलिए अब फटाफट से खाना खा लेते हैं और खाना खाएंगे चाप चाप के, 32 बार चाप के। और मैं जो औरतें माँ बनने वाली रहती है ना उन्हें कह रही थी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो खाना भी उन्हें बिल्कुल आराम से बैठ के चाप चाप के खाना चाहिए। जितना वे आराम से पलौठी मार के बैठ के खाएंगे ना चाप चाप के, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए जी अब आ गए थे हम भूमिया पे। तो यहाँ देखिए ये है भूमिया, तो यहाँ पूजी जाती है भूमिया, ये हमारे गाँव की भूमिया। थोड़ा सा क्लिप बना ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो देखिए यहाँ आ गए थे हम, तो बच्चे भी यहीं खेल रहे थे, सारे आ गए थे, मैं किट्टू टुगू सब आ गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब इतना काम हो जाता है कि मैं ना वीडियो सुबह के टाइम अपनी वीडियो बनाने लग जाती हूँ कि हाँ सुबह को मुझे अपनी वीडियो बनानी होती है, और उसके बाद दोपहर के बाद तो मैं ऐसी बिजी हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे सच्ची में कुछ टाइम ही नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं वीडियो का एंड करना या उसमें कुछ और ऐड करना भूल जाती हूँ। तो बस यही वीडियो है मेरी 32 का फार्मूला, और जो 32 का फार्मूला है मेरी वीडियो को आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक्सरसाइज दिखाऊं, ताकि आप एक्सरसाइज देख के, क्योंकि अगर मैं चाहूँ भी ना तो मतलब आपको रोज एक्सरसाइज नहीं भी दिखा सकती हूँ क्योंकि आप सब बोर भी हो जाते हो, पर मैं जानबूझ के डालती हूँ हर वीडियो में अपनी एक्सरसाइज, ताकि आप मेरी वीडियो में एक्सरसाइज देखो तो आपका भी एक्सरसाइज करने का मन करे, क्योंकि एक्सरसाइज वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं 32 का फार्मूला आपके सामने लेके आ रही हूँ तो आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखे ही, ज़्यादा ना सीखो थोड़ा सा सीखो। इतना तो देखो मुझे भी नहीं आता है, पर जितना मुझे आता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ आपको बताऊँ। मेरा फर्ज यही बनता है कि हाँ आप भी थोड़ा बहुत अपने मतलब अपने शरीर से बीमारियों को दूर करो, अपने फिट रहो। तो 32 का फार्मूला तो यही है जी, मतलब कि आप खाना अपने हिसाब से खाओ, अपना लिमिट में खाओ। पता कहते हैं ना कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो हमेशा यही हमारे दिमाग में होना चाहिए, और ये भी नहीं कि हमें छोड़ना चाहिए कुछ खाना, खाना हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, और मतलब अपना ज़्यादा हिसाब से भार भी नहीं खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। तो यही रहता है कि लिमिट में खाओ और अपना एक्सरसाइज करते रहो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने आप पे ध्यान दो। अगर आप अपने आप पे ध्यान दोगे तो आपका शरीर भी सही रहेगा, जब आपका शरीर सही रहेगा आप दुबले पतले रहोगे तो आपको हर कोई देख के यही कहेगा कि हाँ आप कितने सुंदर लग रहे हो। अगर आप मोटे हो जाओगे आप पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो हर कोई ये कहेगा ये तो कितनी मोटी है, ऐसे जाके कुछ भी कोई सुना देता है। तो आप अपना शरीर का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए मतलब कि, और बहुत अच्छे से रहिए। अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है और बुरा लगता है जब कोई कहता है मोटी, तो इसलिए थोड़ा उससे रहिए थोड़ा सा। ये मेरे बेटे ये चला रहा है बकरी, तो इसने में तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करने में ध्यान दीजिए, अपने डाइट का ध्यान दीजिए। तो चलिए जी इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबा के जरूर जाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और ऐसे ही प्यार करते रहिए, आगे ऐसे ही और आगे बढ़ाते रहिए, अपना साथ सपोर्ट और भी ज्यादा बनाइए, ताकि हमारा छोटा सा परिवार है अभी वो बहुत जल्दी बड़ा परिवार बन जाए। तो प्लीज करते रहिए ऐसे सपोर्ट, और ज्यादा सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे।
तो चलिए जी बाय।